प्रीटर्म डिलीवरी यानी समय से पहले बच्चे की डिलीवरी क्यों हो जाती है? ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिससे डिलीवरी समय से पहले हो जाती है? कुछ महिलाएं 9 महीने से पहले यानी 37 सप्ताह के पहले ही बच्चे को जन्म दे देती हैं, उसे हम प्रीटर्म डिलीवरी कहते हैं। बच्चे का समय से पहले डिलीवर्ड हो जाना कई समस्याओं का, कई बीमारियों का कारण बन सकता है, जिससे बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। तो आज हम जानेंगे कि प्रीटर्म डिलीवरी यानी समय से पहले डिलीवरी होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला कारण होता है संक्रमण। योनि में संक्रमण होने के कारण भी आपकी समय से पहले डिलीवरी हो सकती है। योनि मार्ग में जो बैक्टीरिया होते हैं वो कुछ ऐसे पदार्थ पैदा करते हैं जिससे जो पानी की थैली होती है जिसमें बच्चा 9 महीने तैरता रहता है, उस थैली को कमज़ोर बना देते हैं और कई बार इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वो समय से पहले फट जाती है और प्रीटर्म डिलीवरी हो जाती है। इसके बाद अगला कारण होता है, अगर आपके गर्भ में एक से अधिक बच्चे हैं तो भी आपको प्रीटर्म डिलीवरी का खतरा बना रहता है। इसके बाद अगर आपकी पहले भी प्रीटर्म डिलीवरी हो चुकी है यानी समय से पहले डिलीवरी हो चुकी है तो आपकी इस डिलीवरी में भी प्रीटर्म डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद अगला कारण होता है प्लासेंटा यानी गर्भनाल में कोई समस्या होना, जैसे प्लासेंटा प्रीविया। क्योंकि नॉर्मली जो प्लासेंटा होता है जिससे बच्चे को पोषण मिलता है वो बच्चेदानी के फंडस पर या फिर आगे की तरफ या पीछे की तरफ चिपका हुआ होता है, लेकिन प्लासेंटा प्रीविया में जो प्लासेंटा होता है वो बच्चेदानी के मुंह पर नीचे की तरफ चिपका हुआ होता है जिससे बच्चे को खतरा होता है, तो उससे भी कई बार प्रीटर्म डिलीवरी होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके बाद अगला प्लासेंटा की समस्या क्या होती है, अप्रप्सियो प्लासेंटा। यानी प्लासेंटा का काम क्या है, प्लासेंटा का काम होता है बच्चे को माँ से पोषण देना, यानी जो भी ब्लड सर्कुलेशन होता है वो प्लासेंटा के थ्रू बच्चे में आता है। लेकिन कई समस्याओं के कारण प्लासेंटा है वो गर्भ से यानी बच्चेदानी से अलग हो जाता है, यानी जो चिपका हुआ होता है वो वहाँ से छूट जाता है, अलग हो जाता है, तो उस कारण से भी कई बार प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है। इसके बाद अगला कारण हो सकता है गर्भाशय या गर्भाशय का जो मुंह होता है उसमें किसी तरह की बनावट में गड़बड़ी होना, यानी ठीक से बनावट ना होना, उस कारण से भी आपकी प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है। इसके बाद अगला कारण होता है उम्र, यानी अगर आपकी उम्र 17 से कम है या फिर 35 से ज़्यादा है तो उन महिलाओं में भी प्रीटर्म डिलीवरी होने की समस्या ज़्यादा बनी रहती है। इसके अलावा गर्भधारण के समय अगर आपका वजन बहुत कम हो या फिर गर्भावस्था के दौरान आपका वजन नहीं बढ़ा हो तो उन केसेस में भी प्रीटर्म लेबर यानी समय से पहले डिलीवरी होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद अगला कारण होता है प्रेगनेंसी के समय, आपकी पहली तिमाही या तीसरी तिमाही में आपको कभी ब्लीडिंग यानी योनि ब्लीडिंग की समस्या रही हो तो उन केसेस में भी समय से पहले डिलीवरी होने की आशंका बढ़ जाती है। इसके बाद अगर प्रेगनेंसी के समय कोई महिला सिगरेट पीती है, शराब पीती है तो उन केसेस में भी जो प्रीटर्म लेबर है उसकी संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद अगला कारण होता है कि पहले बच्चे और इस बच्चे के बीच में जो गैप होता है वो कम रहा हो, यानी लगभग 6 महीने से भी कम आपका जो बीच का समय होता है बच्चे दो बच्चों में जो अंतर होता है वो कम रहा हो तो उस कारण से भी आपको कई बार प्रीटर्म लेबर की समस्या हो सकती है। इसके अलावा अगला कारण हो सकता है प्रेगनेंसी के समय ज़्यादा तनाव में रहना, क्योंकि ज़्यादा तनाव होने से शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जिससे आपके गर्भाशय में संकुचन पैदा हो सकते हैं, तो संकुचन अगर गर्भाशय में पैदा हो जाते हैं तो आपकी प्रीटर्म डिलीवरी की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा एक कारण और होता है अनुवांशिक, यानी अगर आपके माँ या आपकी बहन को भी प्रीटर्म लेबर की समस्या रही होगी तो हो सकता है आपको भी प्रीटर्म लेबर की समस्या हो सकती है। तो ध्यान रहे, आपको अपना रेगुलर चेकअप कराते रहना है, समय समय पर डॉक्टर को दिखाते रहना है जिसे आपको
प्रीटर्म डिलीवरी से बचाया जा सके। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।